तो फडणवीस जी, ये एक साल कैसा रहा? चैलेंजिंग रहा, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग चुनौती को स्वीकार कर पाए, निर्णय ले पाए, क्योंकि 2.5 साल की एक ऐसी सरकार इस महाराष्ट्र में थी जिस सरकार ने महाराष्ट्र को स्टैंड स्टिल कर दिया था। वो सरकार, उसके मुखिया भी घर में बंद थे और सरकार भी दरवाजे के पीछे बंद थी, तो सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। महाराष्ट्र जो देश का सबसे प्रगतिशील राज्य है, वो राज्य रुका हुआ था। हमने उसको गति दी है, हमने प्रगति दी है, हमने जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल पटरी पर लाया है। तो मुझे लगता है कि चैलेंजिंग रहा है, लेकिन काम करने में अच्छा लगा। आप कह रहे हैं कि आपके जितने प्रोग्राम्स थे, आपके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जब आप मुख्यमंत्री थे, उन प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर रोका गया, डेलिबरेटली रोका गया। बिल्कुल डेलिबरेटली रोका गया। देखिए, आप चंद पेड़ों के लिए Metro 3 रोकते, जिन पेड़ों को तोड़ने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने परमिशन में यह कहा है कि ये पेड़ 3 दिनों में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे उतना, तो मतलब ये जो मेट्रो है, मेट्रो का 80 फेरियों में उतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आप कह रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं थे, ये आपको टारगेट किया जा रहा था। क्यों आपको टारगेट किया जा रहा था? महाराष्ट्र मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन की बात थी, उस पर रोड ब्लॉक लगाई गई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई को तोड़ने की कोशिश है। देखिए, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मुंबई को कोई महाराष्ट्र से तोड़ नहीं सकता, लेकिन मोदी जी ने प्रोजेक्ट लाया है, उसको पटरी से नीचे उतारो, इसलिए उसको रोका गया। ये देश का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको रोका गया। रीजंस थे कि कभी 100% और वाज इट अ कोर्ट की डिसीजन थी? नहीं, जैसे आरे मेट्रो शेड प्रोजेक्ट जो थी जी, उसको रोका गया, बिल्कुल उसको सामने ले जाया गया और कहा गया कि आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं समझते। नहीं, वही मैं कह रहा था। देखिए, पॉलिटिकल क्यों था, मैं कुछ आंकड़ों में गड़बड़ कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोट किया है कि ये जो जितने पेड़ कटने वाले हैं, ये सारे पेड़ अपने लाइफ टाइम में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे उतना ये मेट्रो केवल 80 फेरियों में करेंगे। ओनली 80 डेज में कर लेगी, और इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और इसलिए करनी चाहिए, और हमको परमिशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बावजूद उसको 3 साल तक रोका गया, जहां पर 18,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और केवल 600 करोड़ का डेपो बनाना है, उसके लिए रोका गया। 10,000 करोड़ से उस मेट्रो की कीमत बढ़ी, 10,000 करोड़ से। किसका पैसा है ये, किससे वसूल होने वाला है? जनता के टिकट से वसूल होगा। केवल अपनी ओछी राजनीति के लिए इसको रोका गया। बुलेट ट्रेन को भी इसीलिए रोका गया कि केवल एक बुलेट ट्रेन बन जाती है तो मोदी जी का नाम होता है, यह सोचकर उसको रोका गया। और ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में, हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे उन प्रोजेक्ट्स को रोकने का काम सरकार ने किया। जैसे ही हम आए, तुरंत हमने बुलेट ट्रेन का काम शुरू किया, हमने मेट्रो 3 का काम शुरू किया, हमने ट्रांस हार्बर लिंक के काम को बढ़ाया, हमने कोस्टल रोड के काम को आगे बढ़ाया, हमने समृद्धि हाईवे के काम को, सारी चीजें कंप्लीशन पे हमने। आप कह रहे हैं आपको टारगेट करने के लिए, बीजेपी को टारगेट करने के लिए, क्या पॉलिटिकल रीजन क्या था? उनको फायदा क्या मिलता? व्हाट वुड दे गेन फ्रॉम इट? उनको देखिए, एक तो होता है गेन और एक होती है जलन, वो भी तो होती है ना, कि ये सारी आपसे जलते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से, हमारी सरकार से, मोदी जी से, कि देखिए वो तो कुछ खुद तो कर नहीं सके, और हम कर रहे थे, और वो देख रहे थे कि 25 साल मुंबई में राज करने के बाद मुंबई को वो जो नहीं बदल पाए, वो 5 साल में हमने बदल के दिखाया। वो जलन थी, इसलिए रोक दिया।